हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय जीएस प्लस की जो आपकी क्लासेज आ रही, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था को, तो उसमें मैं आपको इस समय सबसे अहम जो आपका पार्ट है भारतीय संविधान का भाग 5 यानी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी जो संसदीय व्यवस्था अपने यहाँ है, राज व्यवस्था को चलाने के लिए जिस प्रणाली को हमने अपनाया है, संसदीय व्यवस्था, तो उसी संसदीय व्यवस्था से जुड़ा है आपका भाग 5। यानी इसमें हम सरकार के जो 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि जो है, जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन से पदाधिकारी हैं, उनका कार्य कर्तव्य संविधान कैसे प्रावधानित करता है। इस समय हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं अपने जो है संसदीय पूरी कार्य प्रणाली को, कि इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या कैसे पूरा प्रोसीजर चलता है, इनकी वर्किंग क्या होती है, बिल का आना क्या होता है। आज जो सबसे अहम भाग है जिस पर मैं आपसे परिचर्चा करने जा रहा हूं, वह है आपका बजट, कि संसद में बजट पेश कैसे होता है, बजट को पारित करने के कितने चरण होते हैं, बजट में कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाती हैं। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कि संसद की समितियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो है समितियों के कौन कौन से प्रकार हैं, जो है समितियां। फिर आपका एक ये इसी में एक पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा कि जैसे जब बजट पढ़ेंगे तो बजट के जस्ट बाद पढ़ लेंगे हम निधि को, क्योंकि बजट में कई ऐसे शब्द आएंगे जिसमें निधियों के बारे में होगा। निधि यानी फंड जिनको आप कहते हैं, तो भारत में कितने प्रकार की निधियां हैं, इनको भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ अन्य कार्य प्रणालियों पर भी हम आज इतिहास पर इनके नजर डालेंगे। तो आज का भी आपका भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट से संबंधित जब यह करंट में प्रश्न होता है तो हमेशा सालों साल इसमें कोई योजना जो होती है उससे सवाल पूछता ही पूछता है। और कभी कभार क्या करता है कि जो आपके संवैधानिक प्रावधान है उन प्रावधानों से सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं पर आपका मामला क्या हो जाता है, फंसने लगता है। जैसे 1, 2, 3, 4 चार कथन बना के दिया आपका कि भारतीय जो है बजट के वो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और चार कथन वहीं जोड़ दिया। फिर आपसे पूछ लिया कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, वहीं पर मामला आपका फंस जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि बजट शब्द की परिभाषा जो है, बजट शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है, बस हम इतना पढ़ के अपना काम निकाल लेते हैं। आइए उन्हीं सब पर परिचर्चा कर रहे हैं। जो लोग अभी भी 10 प्लस कोर्सेज को लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं, पीडीएफ भैया लेनी है, तो कई आपके ऐसे कोर्सेज इसके अंतर्गत क्लासेज हैं, कई ऐसे विषय हैं जो अपने आप में पूर्ण हो चुके हैं, उनकी संपूर्ण पीडीएफ, ठीक है, और डेली बेसिस की जो क्लासेज चल रही हैं। अगला कुछ दिन में नया अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि ये जो 3 महीने थे आपके पूरे हो रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद जब अनाउंसमेंट होगा तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगले 3 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए, कि अगला 3 महीना कैसा होगा वो बताया जाएगा किसी दिन वीडियो के माध्यम से। तो अभी भी आप सारे लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी अन्य हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे लोअर मेंस का हमारा कोर्स चल रहा है, ईपीएफओ का चल रहा है, इन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं टीम की ओर से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आपके पॉइंट्स पर। इन सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी। तो आप हेडिंग आज डाल सकते हैं संसद में बजट, ठीक है। आज की जो आपकी हेडिंग होगी वह हेडिंग होगी संसद में बजट। इसी पर हम परिचर्चा करेंगे कि संसद में बजट क्या है, ठीक है। देखो, बजट जो यह शब्द है ना, इसका अर्थ होता है कि ये प्योरली आपका भारतीय संसदीय या संसदीय इतिहास में देखा जाए तो बजट जो शब्द है, इसका बजट रियल में नाम, जैसे आजकल आप लिखा देखते हैं, ठीक है, बजट लिख दिया जाता है, तो वहां पर चीजें जो बनती हैं वो चीजें दूसरी बनती हैं, ठीक है। बजट का अर्थ हिंदी में अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है, बजट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, और वहीं से ये चीजें निकल के आती हैं, क्योंकि जो आय व्यय का वितरण होता है, भारतीय सरकार की जो आय व्यय का पूरा विवरण होता है वो आपका इसमें रखा जाता है, उसी चीजों को हमें ध्यान रखना होता है, समझ गए। इन्हीं को आपको बहुत अच्छे से जो है समझना होता है, तो इन्हीं पर आज हम बात करेंगे। उसके बाद जब बजट आपका प्रस्ताव सदन में आता है, तो सदन में आने के बाद इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन चरणों से बजट को आपके गुजरना पड़ता है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि बजट आपका किन किन चरणों से पारित होता है,
उन सारे चरणों को देखेंगे कि कौन कौन से इस संदर्भ में लिए जाते हैं। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बजट में जैसे बहुत सारी आपके फंड्स के बारे में बात होगी, ठीक, टैक्सेशन के बारे में बात होगी, कौन कौन से किसके दायरे में आते हैं उन पर बात होगी, तो इन सारी चीजों को भी हम लोग व्यापक रूप से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिए सारे लोग, अब जो पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं उन्हीं पर हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ध्यान से हर एक चीजों को समझना है। ठीक है, बहुत विधिवत समझते चलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रश्न थोड़ा सा आप पीसीएस प्रीलिम्स में बैठने जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जो प्रश्न बनाता है उस प्रश्नों को आप समझिए। करेगा क्या आपसे कि जैसे एक तो आपका जोड़ देगा जो प्रश्न बनाए जाते हैं कूट से, कि आपसे प्रश्न जो पूछेगा, प्रश्न पूछने का तरीका बनेगा कि क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित कथनों पर जो संसदीय जो है बजट प्रणाली से संबंधित है इनके संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दीजिए। तो एक आपका जो डालेगा तो लिख देगा कि जो आपका अनुच्छेद 112 है इसमें जो है बजट के बारे में प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान। दूसरा उसी में लिख देगा कि इस बार जो है जो मौजूदा करंट में बजट आपका पेश हुआ है उसमें लिख देगा कि इसलिए इस बार इसमें इस जो है नई एक योजना को चलाया गया है। तीसरा पॉइंट लिख देगा कि इस बार जो है सरकार ने ग्रामीण जो है आपके इलाकों में पेयजल की व्यवस्था के लिए इस परियोजना पर इतना व्यय करने का प्रावधान किया है। तो ऐसे उसमें तीन चार, मतलब एक तो मूल से जोड़ेगा और दूसरा जो जोड़ता है वह करंट से जोड़ता है। इस टाइप के प्रश्न अब आपको बनना जो है बनने प्रारंभ हो चुके हैं, तो वहां के लिए आपको इसके बेस को जानना बहुत जरूरी बन जाता है। देखिए अब उन्हीं बेस पर हम बात करते हैं। संविधान में बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी साल भर का जो लेखा जोखा। मूल शब्द अगर मैं बताऊं इसकी तो साल भर का लेखा जोखा क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सवाल पूछा है भैया, कूट में दिया है आपका कि बजट शब्द का उल्लेख कहां पर है, तो बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है संविधान में। बस यहां पर लिखकर जो उल्लेख है वह है वार्षिक वित्तीय आपका विवरण। अगली चीज ध्यान रखना है, जो वार्षिक आपका वित्तीय विवरण है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के दो बजट होते हैं, कौन कौन सा? पहला होता है आपका रेल बजट और दूसरा होता है आपका आम बजट। ठीक है, रेल बजट और आम बजट। अब यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है यहां से, एक तो पहला क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 112 में किसका वर्णन है, एक तो आपका आर्टिकल हो गया, दूसरा ये आपका पूछता है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बजट का उल्लेख नहीं है, दो प्रश्न हो गए। तीसरा जो बनता है वह बनता है कि रेल बजट को आम बजट से किस कमेटी के सिफारिश पर अलग किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि रेल बजट को आम बजट से एक वर्थ कमेटी या एक ओर्थ कमेटी, इनका पूरा नाम है, इसकी सिफारिश पर अलग किया गया था। कब? 1921 में। यह सवाल बहुत बार पूछा है, इसको आपको ध्यान रखना है। 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। उसके बाद संवैधानिक अन्य व्यवस्थाओं पर नजर डाले अगर, कि जो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इनके लिए, उन पर बात करते हैं कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए बजट के क्रियान्वयन पर इनके इसको जो लेकर के है कि बजट भाई कैसे तैयार किया जाता, क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में दी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं, वो क्या क्या है? देखिए, राजस्व पर बजट का जो खर्च होता है अन्य खर्चों के मामले में अलग होगा। सबसे पहले चीज तो ये ध्यान दीजिए, अगर राजस्व पर बजट का जो खर्च होगा वह अन्य खर्चों के मामले में अलग होता है, हमेशा इस चीज को जानिएगा। दूसरी बात, बिना राष्ट्रपति की संस्तुत के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी, यह सवाल आया हुआ है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की संस्तुत के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाती है। ठीक, कि हमें जो है पला उस पर खर्च करने के लिए इतना अनुदान चाहिए। अगली चीज, उचित विधि के बिना निश्चित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। निश्चित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उसके लिए सही तरीका ना अपनाया जाए। ठीक है, अगर संचित निधि से धन लेना है तो उसके लिए एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम जाएंगे तब हम धन लेंगे। अगर हमें तत्कालीन, जैसे अभी देखा आपने आपातकाल जो है रक्षा मामले में, जैसे भारत ने
31 आपके लड़ाकू विमानों को जो है सौदा किया है रसिया से, तो वह आपातकालीन निधि से पैसा दिया गया इमरजेंसी फंड से, तो वहां पर चीजें कैसे निकलती है, उसके लिए क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान, इनको भी जानना है। ठीक, राष्ट्रपति से हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करेगा, ये जब मैंने आपको राष्ट्रपति बताया था तो राष्ट्रीय राष्ट्रपति की वित्तीय उसमें कर्तव्य में मैंने आपको समझाया था कि यह राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह जो है दोनों सदनों के पटल पर हर वर्ष क्या करेगा, बजट को रखवाएगा, यह राष्ट्रपति के दायित्व में आता है। अगली चीज, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, अगर कोई टैक्स है तो जो संसद है आपकी पार्लियामेंट है उस टैक्स को समाप्त कर सकती या कम कर सकती, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, टैक्स को बढ़ा नहीं सकती है, कम कर सकती, समाप्त कर सकती। अगली चीज, बिना राष्ट्रपति के संस्तुत के कर जो निर्धारण है टैक्स आपका जैसे डिफाइन किया जाता है, इसको कोई विधेयक संसद में पेश नहीं होगा, कर निर्धारण से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में आपका पेश नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगली चीज, इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा कोई विधेयक है तो वह राज्यसभा में पेश नहीं होगा, इस चीज को जो है दिमाग में बना लीजिए। कहां पर, अगर कोई टैक्सेशन कर जो है रोपण से है, कर निर्धारण से है, तो उस मामले में। अगली चीज आती है कि खर्च का अनुमान है, व्यय जो हमारा होता है इसके अनुमान को संचित निधि के संदर्भ में स्पष्ट किया जाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट संचित निधि से पैसा लेना चाह रही है तो वह व्यापक तौर पर उसे दिखाएगी कि हमें इतना पैसा चाहिए, इसका इतना 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 कहां पर व्यय होगा। ठीक, इस चीज को एकदम अगर वह कंसोलिडेटेड फंड से ले रही है तो उसका संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए कि यह पैसा भैया संचित निधि से निकाला गया तो यह पैसा खर्च कहां किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, यह चीजें देना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बजट को पारित होने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, किन किन स्टेप से, किन किन चरणों से, जैसे विधेयक मैंने इससे पहली क्लास में पढ़ाया कि कोई विधेयक पारित होता है संसद में तो वह किन किन चरणों से गुजरता है, ऐसे आपका बजट है, जब कोई बजट जो है सदन से पारित होगा तो उसके लिए आपके कुछ प्रावधान है, उन प्रावधानों को उसको पालन करना पड़ता है। जैसे ध्यान दें, बजट संसद में 6 स्तर से गुजरता है, विधेयक जैसे था तो विधेयक में आप जो है देखे थे कि उसमें 4 स्तर जैसे होते हैं, ऐसे यहां 6 स्तर इसमें होते हैं। क्या कैसे होता है, सबसे पहले बजट आपका, चूंकि ये आपका वार्षिक जो वित्तीय विवरण है एक तरीके से विधेयक है, तो इससे संबंधित विधेयक का पारित होना चाहिए, दूसरी बात वित्त विधेयक का पारित होना चाहिए, तीसरी बात बजट का प्रस्तुतीकरण तब होगा और फिर उस पर आम बहस प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इसके बाद विभागीय समितियों द्वारा उस पर जांच की जाती है कि सरकार जो लेखा जोखा दे रही वो सत्य है, उसके बाद अनुदान की जांच पर मतदान होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई नई योजना चला रही, कहीं नए जगह पर पैसा खर्च करने जा रही और गवर्नमेंट ने अनुदान मांगा है कि मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके लिए क्या करती है, उसके लिए जो संसद है आपकी वहां पर मतदान किया जाता है कि उसके पक्ष में कितने हैं, विपक्ष में कितने हैं, इस चीज पर भाई जो है खर्च किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो आप देखते हैं जैसे गवर्नमेंट उधार लेती है सरकार, ठीक, तो वह आपके कई प्रावधानों से कई उसमें उधार लेती है और वही चीजें धीरे धीरे ये इकोनॉमी में चीजें और आपके बजट की डिफाइन होंगी जब इकोनॉमी को हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं फंड्स के बारे में, जैसे विभागीय समिति इनके बारे में तो कल मैंने आपको बताया भी था, अब हम बढ़ने जा रहे हैं निधियों के बारे में, फंड्स के बारे में, निधि। ठीक, अब फंड में देखिए भारत सरकार में जो व्यवस्थाएं हैं फंड्स को लेकर के, इस चीज को समझिए, तीन प्रकार की अपने यहां निधि होती है, तीन प्रकार की निधियां हैं, तीन प्रकार के फंड्स होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट आपका जो है फंड ऑफ इंडिया, ये क्या है भैया, संचित का मतलब होता है एक जगह भंडार कर दो, एक जगह इकट्ठा कर दो, उसमें हमारे पास जैसे हमारी महीने की इनकम 2000 रुपए है तो हम 500 रुपए कहीं एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये जो संचित निधि है यह एक ऐसी निधि होती है जिसमें सभी प्रकार के भुगतान की पावती एवं धनराशि जमा होती है। ठीक है, भुगतान की पावती क्या है वो भी पैसा इसी में, और जो धनराशि है वो भी इसी में, हर एक चीजें इसी से आना जाना होता है जो आपकी संचित निधि है इससे। दूसरी बात अब करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें, जैसे एक चीज को ध्यान रखना कि सभी राजस्व भारत सरकार द्वारा स्वीकारे जाते हैं, जितने भी राजस्व हैं सभी को इंडियन गवर्नमेंट आपकी स्वीकार, तभी तो भैया वो माना जाएगा।
दूसरी बात, सभी प्रकार के लोन सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तीसरी बात, लोन के भुगतान के संबंध में सभी धन संचित निधि से सरकार द्वारा लिया जाता है। जब लोन का भुगतान करना होगा तो संचित निधि से सरकार लेती है। उसके बाद सभी विधिसम्मत भुगतान भारत सरकार द्वारा संचित निधि से किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत का सार्वजनिक लेखा, अब इसकी बात करते हैं, दूसरी जो आपकी निधि है, ठीक, दूसरी निधि को जानिए। इसमें ध्यान दीजिए, सभी अन्य सार्वजनिक धन, जितने भी अन्य आपके धन है, जैसे भारत की संचित निधि में जमा के अलावा भारत सरकार या उसके लिए भारत के सार्वजनिक लेखा में जमा होता है, इसमें भविष्य निधि जमा, ठीक, दूसरी बात न्यायिक जमा, तीसरी बात बचत बैंक जमा, चौथी बात विभागीय जमा, ये सभी के सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इस कार्यकारी जो क्रिया है इसके द्वारा इसको नियंत्रित भी किया जाता है, जो आपकी क्या है, एक तरीके से पब्लिक अकाउंट से संबंधित सारी चीजें हैं, उनको इसी से नियंत्रित करते हैं। अगली एक निधि आती है, भारत की आकस्मिकता जो है निधि, इमरजेंसी फंड होता है। इमरजेंसी फंड के तहत मैंने बताया कि अभी क्या किया गया, ठीक है, वहां से रसिया से भारत ने 31 विमानों को मंगाया है। रूस, जो हमारा तनाव इस समय चल रहा है चाइना को लेकर के, उसके लिए वायुसेना में आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे बीच बीच में आपको खबर सुनने को पड़ती थी कि आज मिग विमान यहां गिरा, पायलट जो है दुर्घटना में शहीद हो गया, क्रैश हो गया वहां पर, ऐसे तमाम खबरें आ रही थी, सुखोई और मिग जो है, इन सभी को लेकर के। तो भारत सरकार अब उन्हीं को, जो आपके रिटायर होने हैं उनको रिटायर करके उनके जगह पर नए विमानों को ला रही है, अत्याधुनिक विमानों को लाया जा रहा है, जिससे कि अगर भारत भविष्य में कुछ होता है तो उसके लिए हम तैयार रहे। आगे बढ़िए, जो इमरजेंसी फंड होता है, संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। कौन? संविधान देता है। संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से शुरू हुआ। निधि को वित्त सचिव की ओर से राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति रखता है वित्त सचिव की ओर से। भारत के सार्वजनिक लेखा की तरह इसे विशेष क्रिया से संचालित किया जाता है, जैसे आपकी सार्वजनिक लेखा है वैसे ही इसको भी संचालित करते हैं। आगे बात करते हैं राज्यसभा की स्थिति क्या है बजट को लेकर के, ठीक है, इसको समझिए बहुत अच्छे से। राज्यसभा की स्थिति को अब हम समझते हैं। देखिए, अगर राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ना है, राज्यसभा की पावर को पढ़ना है, तो सबसे पहले इसको 3D आपके पास ग्लॉस होना चाहिए, मतलब 3 डायमेंशन से इसका अध्ययन करोगे आप। कैसे कैसे समझिए इसको, ठीक। सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए, लोकसभा के साथ समान स्थिति इसकी किस किस मामलों में है। पहले इसको समझते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर कैसे एक जगह पर एक जैसी होती है, समझें इस बात को भैया। निम्नलिखित मामलों में लोक राज्यसभा एवं लोकसभा की स्थिति जो है बराबर होती है, समान होती है, कैसे? जब संवैधानिक कोई अगर इकाई है, जैसे आपका वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, लेखा महानियंत्रक परीक्षक हो गया, ठीक, आदि की रिपोर्ट को अगर स्वीकार करना है तो उनमें राज्यसभा लोकसभा दोनों बराबर अहमियत रखती। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया और आपका UPSC हो गया, कि न्याय क्षेत्र में अगर विस्तार करना है तो दोनों की पावर सेम है। अगली चीज, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग के बारे में दोनों चीजें आपकी सेम है, ठीक। उसके बाद राज्यसभा आपका उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है, इसमें भी राज्यसभा क्या है, ये पहल अकेले ला सकती है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा का उसमें साथ ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेखा महानियंत्रक को हटाने की सिफारिश में दोनों को बराबर पावर है। अगली चीज, राष्ट्रपति द्वारा जो जारी विधेयक होते हैं इनकी संस्तुत में भी दोनों को बराबर पावर होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषित 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं, इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट आपका घोषित करता है 352, 356 और 360 के अंतर्गत, आगे मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें अगर उसकी संस्तुत देनी है, उसकी मंजूरी देनी है, तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बराबर पावर होती है, समान स्थित होती है। अब अगली बात आती है, जब नया इलेक्शन हुआ और आम चुनाव हुए, तो आम चुनाव के बाद जब आपका प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, तो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, तो उस मामले में भी इन दोनों का क्या होता है, बराबर का योगदान होता है। हालांकि लोकसभा में जो पार्टी आपकी मेजॉरिटी में होती है, जीतकर चुनाव आती है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग ही नहीं होती भैया,
राज्यसभा कभी भी भंग होने वाली आपकी चयन नहीं है। तो वहां पर चीजें क्या बनती हैं कि इसमें जो आपका मुख्य रूप से बनेगा कि संविधान जो अपना कहता है कि संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री दोनों से किसी एक के सदस्य होने चाहिए, और दोनों में से किसी के सदस्य नहीं है फिर भी आप 6 महीने तक बढ़िया मंत्री बनकर ऐसो आराम कर सकते हैं। अपने यहां भूत बयान लग नहीं जाता है नाम के पहले, बढ़िया जिंदगी भर पेंशन पाइए। आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनिए या 5 साल के लिए बनिए, आप रिटायर होंगे तो जितनी सुविधाएं आपको वो 5 साल वाले के मुख्यमंत्री को मिल रही, सांसद को मिल रही, उतने एक दिन वाले को भी मिलेंगी, क्योंकि आपके साथ क्या जुड़ जाता है, भूत, और भूतपूर्व मतलब सारी सुविधाएं मिलनी ही मिलनी। आगे बढ़ते हैं, सामान्य विधेयकों की प्रस्तुति यौम उनका अंश हो गया, उसमें भी दोनों की भैया बराबर जिम्मेदारी है, बराबर चीजें पावर है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों की प्रस्तुति एवं उसका अंश भी, इन मामलों में भी राज्यसभा और लोकसभा समान स्थिति को रखती है। तो ये सारे कंपेरिजन ऐसे हुए जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को हम समान स्थितियों में पाते हैं। दूसरी चीज समझ लो, लोकसभा के साथ असमान स्थिति इसकी कहां कहां है, जो पावर कौन सी ऐसी पावर है जो लोकसभा बहुत आसानी से रखती है, बहुत सारे आसानी से उनमें परिवर्तन कर सकती, कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें राज्यसभा आपकी कमजोर पड़ती है। तो इसके साथ समझिए कौन कौन सी असमान स्थितियां हैं भैया। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है, सबसे पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। लागू तो कराने में दोनों माहिर है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल खत्म करना है तो उस मामले में हमें किसको, लोकसभा को ज्यादा पावर है। अगली चीज, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, उसके लिए लोकसभा चाहिए भैया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना कि आपकी राज्यसभा के प्रति। लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना कर सकती है, ठीक, बिल्कुल उसे पूरा हक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, दोनों मामले में इसे सदनों द्वारा स्वीकृत माना ही माना जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा ने किसी विधेयक को लौटाया या मंजूरी दी और उस पर कहा कि इसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो उसकी जो सिफारिशें उसको स्वीकार करे या ना करे वो उस पर डिपेंड है। अगली चीज, वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है, इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके संदर्भ जो संदर्भों के मामले में दोनों की शक्तियां समान है, राज्यसभा और लोकसभा की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है कि नहीं, इसका जो निर्धारण होता है वो सारे लोग जानते हैं। कल मैंने आपको बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास इसकी जो है पूरी पावर होती है, वही डिफाइन करता है कि यह मनी बिल है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कमान लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, ना कि राज्यसभा के आपके सभापति के पास। अगली चीज है, संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादा संख्या से जीतती है, सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। अगर विपक्ष से कम है भैया तब तो वोट जो है विपक्ष को ही जाएगा। अगली बात, राज्यसभा सिर्फ बजट पर बहस कर सकती, उसके अनुदानों पर वोट नहीं कर सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा, अनुदानों पर वोट लोकसभा ही करता है। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। मनी बिल जो होगा, क्योंकि भैया मनी बिल किसी को डिफाइन करने का जब अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को है, तो सबसे पहले तो यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझिए, राज्यसभा की विशेष शक्तियों को, इनमें वही चीजें हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, उसे इस विधेयक को संस्तुत या बिना संस्तुत के 14 दिन के भीतर वापस लौटाना ही लौटाना होता है लोकसभा को, ठीक, तो उसका कोई मतलब नहीं, गया भैया तुम कर दो तो कर दो, नहीं करोगे तब भी पास है। अब राज्यसभा की विशेष शक्तियां कहां कहां पर है, यहां से सवाल आया है भैया, ध्यान दीजिए। संघीय चरित्र होने के कारण राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां प्रदान की गई जो लोकसभा के पास नहीं है, क्या, एक तो चीजें आपकी ये हैं, थोड़ी सी और चीजें समझ लीजिए इसी में, ये जो 2 शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, इसमें राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई है, लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर है। शक्तियां राज्यसभा को कम है लोकसभा की अपेक्षा, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है उनके कुछ आधार तय किए गए, क्या क्या,
यह उन अनुभवी एवं पेशेगत लोगों का प्रतिनिधित्व देती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा में डायरेक्ट तो इलेक्शन होता नहीं है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी करता है भैया, जो विभिन्न क्षेत्रों से आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह राज्यों के खिलाफ केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप पर राज्य हित में विशेष कर वो मतलब विरोध कर संघीय व्यवस्था को बरकरार रखती है। कौन? राज्यसभा आपकी, ठीक है। तीसरी बात, यह लोकसभा द्वारा बनाई गई अप्रभावी लापरवाह एवं कमजोर वैधानिक प्रक्रिया की जांच दोहराने एवं उस पर गहन विचार कर उसमें संशोधन करती है या फिर सिफारिश करती है। जो इसको लगता है वह यह कार्य अपना करती ही करती है। यह संसद को राज्य सूची जो कि आपका अनुच्छेद किसमें है 249 में से कानून बनाने को अधिकृत कर सकती है। कौन? राज्यसभा। राज्य सूची में से अगर कानून बनाना है संसद को तो उसके लिए आपकी राज्यसभा को पावर है। आगे बढ़ते हैं। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा आयोग, ठीक, केंद्र के लिए भी राज्यों के लिए भी अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 में गठन का प्रावधान है। यूपीएससी केंद्र के लिए और हर एक स्टेट का अपना अलग होता है, जैसे अपने यहाँ यूपीपीएससी है, ठीक। तो पब्लिक सर्विस जो कमीशन है वो राज्यों के लिए भी और आपके केंद्र के लिए भी, ये किससे? राज्यसभा की सिफारिश पर होती है। अब संसद की समितियों के बारे में बात कर ले, जो मैंने कहा था, ठीक। संसद की समितियां अगली आपकी हेडिंग होती है। तो बहुत सारी समिति के बारे में आप जानते भी होंगे, कौन सी समिति क्या करती है इस बारे में भी आपको पता होगा। उन्हीं पर रिवीजन देते हैं, कुछ नया भी पढ़ लो। क्या क्या है देखो, व्यापक रूप से संसदीय समिति दो प्रकार की होती है। एक ऐसी समिति बनाई जाती है जिससे निरंतर हमारा कार्य चलना ही चलना है, और एक ऐसी समिति बनाई गई जिसका कुछ दिन के लिए एक प्रोजेक्ट हमें लॉन्च करना है, तो उससे पहले समिति बनाए, उससे संबंधित उसने सारे विचार किए, फिर वह समिति आपकी चली गई। यानी एक परमानेंट आपकी कमिटी होती है और एक नॉन परमानेंट होती है, यानी अस्थाई होती है। तो समितियां दो प्रकार की बनती हैं, एक अस्थाई समिति बनती है, एक अस्थाई समिति बनती है। अब इन्हीं पर पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली आपके सामने जो कमिटी है, समिति है, वह है आपकी सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक। यह क्या होती है भैया? सार्वजनिक लेखा। देखिए, ध्यान दीजिए, इस समिति को सबसे पहले कब, 1921 में, यह सवाल भैया आया है, इंपॉर्टेंट है, 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित किया गया है। यह भी पिछली बार आपका पूछा था पीएससी में, ठीक है। 1919 के तहत 1921 में पूछा था कि जो आपकी लोक लेखा समिति है इसको किस जो है आपका एक्ट के माध्यम से बनाया गया, तो 1919 का जो एक्ट आया 1921 में ये आपकी पहली बार बनाई गई। इस समय इसमें 22 सदस्य हैं, ठीक। सदस्यों की संख्या भी आपका पूछा है SSSC के पेपर में, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से व 7 राज्यसभा से हैं। SSC से भी यहां से सवाल बने हैं, कई बार आया है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है सदस्यों की संख्या 22, 15 कहां से? 15 आपके बड़े वाले से, लोकसभा से। 7 कहां से? छोटे वाले यानी राज्यसभा से। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। समिति का अध्यक्ष जो होता, चुनाव उसका लोकसभा अध्यक्ष करता है। 1966-67 तक समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था, जो दल मेजॉरिटी में है, जिसकी सरकार है उससे इसका अध्यक्ष बनाते थे। लेकिन 1967 से विपक्षी दल का इसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तब से यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चली आ रही है, ठीक। ये एक तरीके से अब क्या हो गई, परंपरा बन गई है। आगे बढ़ते हैं। समिति का कार्य जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग बोलते हैं, कि वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना है, ठीक। अब जो कैग होता है, ठीक, कैग की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है उसकी जांच ये समिति करती है। इसके बाद विस्तार रूप से कमिटी के कार्य क्या क्या है इनको समझ लीजिए। संघ सरकार के मुख्य खातों एवं वित्त खातों का परीक्षण इसका कार्य है। दूसरी बात, मुख्य खातों में संसद के खर्चों का भी यह परीक्षण करती है। राज्य जो आपकी परिषदें हैं, व्यापार एवं निर्माण परियोजना है, इनके लेखों की जांच भी यही करती। स्वायत्त एवं अल्प स्वायत्त इकाइयों के लेखों की जांच भी यही करती। प्रत्येक वित्त वर्ष में जो खर्च धन होता है उसका परीक्षण भी यह समिति करती है, लोक लेखा, वो सार्वजनिक जो है लेखा समिति। आगे बढ़ते हैं। आकलन समिति आपकी होती है,
ठीक, नाम ही है आकलन किसी चीज के बारे में क्या करना, आकलन करना। देखो भैया, इस समिति का जो उद्भव हुआ है यह 1921 में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पहली अनुमानित समिति तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ठीक की सिफारिश पर कब 1950 में गठित की गई। 56 में जो है सदस्यों की संख्या इसके 30 कर दी गई है। और ध्यान रखना है इसके जो 30 सदस्य होते हैं सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और वह सभी के सभी लोकसभा से होते हैं आकलन समिति में, ठीक। कार्य क्या है भैया समिति का? कार्य भैया जो बजट आपका हुआ जिसके बारे में हमने पढ़ा, बजट सहित सार्वजनिक खर्चों का अनुमान लगाना होता है। समिति के कार्य विस्तार से इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहली चीज, संसद में पेश किए जाने वाले अनुमानों का प्रारूप यह सुझाना इसका पहला काम है, आकलन का। नाम भी वही है, आकलन करिए। दूसरी बात जो इसमें आती है, आर्थिक संगठनों में सुधार और प्रशासनिक सुधार का प्रभाव आदि पर रिपोर्ट करना। तीसरी बात जो इसमें आती है, नीति संबंधी सुझाए गए मामलों का परीक्षण और अर्थव्यवस्था में प्रशासनिक महत्ता के संबंध में जो है वैकल्पिक नीतियों का सुझाव, यह भी आपका आकलन समिति ही देती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जो सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति बनती है, जो आपके सार्वजनिक उपक्रम है ठीक, इन पर एक कमेटी का विशेष निर्माण होता है। वह कमेटी क्या होती है इसको समझिए। यह समिति कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर, पूछा है भैया ध्यान दीजिए, कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 64 में बनाई गई, 1964 में इसको बनाया गया था। मूलतः इसमें 15 सदस्य, कहां से? 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, ठीक, 15 समिति थे मूलतः जब बनाई गई थी तब। लेकिन 1974 में इसकी संख्या 22 कर दी गई, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते। इस बात को ध्यान रखिएगा, पता चले कि वो सार्वजनिक लेखा और इसमें कंफ्यूज हो गए। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति से संबंधित अन्य कार्य जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर उन्हें उपलब्ध कराया जाए, वह सब इसको दिया जाता है। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रमों कर जो कैग की रिपोर्ट होती है उसका भी परीक्षण यह समिति करती है। आगे बढ़ते हैं, एक समिति आपकी इसके बाद आती है जो विभागीय समिति होती है, विभागीय अस्थायी समितियां होती है, इनको समझ लीजिए क्या क्या होती है। देखिए भैया, 1993 में 17 विभागीय मूलतः वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कार्यकारिणी जो है कार्यकारी समितियां बनाई गई। कितनी? 17 समिति बनी थी 1993 में। इन समितियों के जो न्याय क्षेत्र में सभी मंत्रालय एवं विभाग आते हैं, जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, सब इनके न्याय क्षेत्र में है इन समितियों के। अगली बात, प्रत्येक अस्थायी समिति में 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से हर एक स्थायी समिति में जुड़े होते हैं, ठीक। तो हर एक व्यक्ति जितना ये खाली देखते हैं आपको, ऐसा है नहीं कि सांसद का जो कार्य हमें दिखता है कि लड़ाई किए, कूट वहां जो है मारे पीटे, विपक्षी दल हो गए, आंख में मिर्च का पाउडर झोंक दिए, ये सब उतना तो चीजें हमें दिखती ही दिखती हैं। लेकिन जब ये समितियों में शामिल होते हैं, भाई 17 हो गई, सब में 45 चाहिए ही चाहिए, तो लगभग लोग व्यस्त रहते हैं, ठीक। और जो समिति में ये होते हैं, समिति में कभी भी पक्ष और विपक्ष नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, समिति में हमेशा देश हित में कार्य किया जाता है। नहीं तो इन सांसदों के बल पर आप जानते ही हैं, जैसा ये लोकसभा में दिखाते हैं वैसा अगर सच्चाई हो तब तो कुछ ना हो इस देश में। सरकार के सारे काम भी चलते हैं, हर एक क्षेत्र पर पकड़ भी बनी है गवर्नमेंट, सब कुछ। उनमें सबसे बड़ा योगदान इन समितियों का है भैया। गवर्नमेंट का जो आपको वर्तमान रूप दिख रहा है वह सब कुछ समिति ही करती है, इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से समझिए। लोकसभा से सदस्यों का अध्यक्ष एवं राज्यसभा से सभा जो सभापति है वहां से वह इन सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। 45 जो सदस्य जाने हैं, 11 समितियों के अध्यक्षों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बाकी 6 समितियों के अध्यक्ष को सभापति आपका मनोनीत करता है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं, अधीनस्थ विधानों पर समिति बनती है, ये कैसे है? यह सदन जो है इस, यह सदन की रिपोर्ट शक्ति एवं कार्य नियम हो गए, उपनियम जो बनते हैं वो हो गए, संसद द्वारा प्रतिनिधित्व एवं उसके संविधान सम्मत कार्य का परीक्षण करती। इसमें सदस्यों की संख्या भैया 15 होते। 1953 में इसका गठन हुआ है, किसका? अधीनस्थ विधानों पर समिति का गठन 1953 में हुआ। अगली चीज आती है संसदीय विशेषाधिकार, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है क्या कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं बनाए गए हैं,
भाई नाम ही तो संसदीय है, राष्ट्रपति भले ही संसद का अंग है, ठीक है, अंतरिम भाग भी है प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन यहां पर चीजें आपको चुननी कुछ और है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार वह विशेष अधिकार, भाई नाम ही वही है, वह विशेष अधिकार है जो स्वतंत्रता पूर्ण और नियंत्रण मुक्त है, यानी इन पर किसी का दबाव नहीं चल सकता। ये संसद के दोनों सदनों, उनकी कमेटी जितनी है, समिति जितनी है, तथा उनके सदस्यों को प्राप्त है। इनमें भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री आपके शामिल होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब वर्गीकरण कर ले भैया, ये जो संसदीय विशेषाधिकार है, दो भाग में, इनको दो वर्गों में हम विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक तो वह व्यक्तिगत रूप से सदस्य हूं, ठीक, और दूसरी बात वह जो संयुक्त रूप से संसद के प्रत्येक सदन का लाभ लेते हूं। इस तरीके से इनके क्या किए जाते हैं, विशेषाधिकार बनाए जाते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार, इसे अपनी रिपोर्ट, तर्क को प्रकाशित तथा आगे बढ़ाने का अधिकार है। अन्य द्वारा इसके प्रकाशन को निषेध करने का भी अधिकार है, या अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है, ठीक, अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य प्रबंधन, इन मामलों का निर्णय इसका अंतिम निर्णय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात जो है इसमें और जो गौर करने की चीजें हैं वो ये है कि न्यायालय सदन या इसकी कमेटी की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है, मतलब इस कमेटी ने अगर कोई कार्य किया तो न्यायालय वह जांच नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, या पूछताछ गठित कर सकता है भैया, तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकता है कि गवाह उपस्थित किए जाए इस मामले में। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं, यह न्यायिक सेवा से मुक्त है, वह संसद के सत्र के में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। अगर संसदीय सत्र चल रहा तो किसी सांसद को न्यायालय बुला नहीं सकता, अगर बुलाएगा भी तो वह हवाला दे देगा कि इस समय संसद में सत्र चल रहा, मैं उपस्थित नहीं हो सकता, ठीक, तो ये विशेषाधिकार हो गए। अगली चीज, उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, बोलने की भैया आजादी है, उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। अब कहते हैं कि कानून की नजर में सब बराबर है, ठीक, अनुच्छेद 14 यही तो बोलता, अब यहां पर अनुच्छेद 14 क्या हो गया, विशेषाधिकार के आगे नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि अगर भैया वो मेंबर है तो कहीं ना कहीं हमसे तो ऊपर है, उन पर क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि भैया हमने उन्हें नेता बनाया है अपना ना, तो कुछ तो इज्जत उनकी करनी ही पड़ेगी, इसीलिए वहां पर ये चीजें लागू नहीं होती है। उम्मीद है भाग 5 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, पार्ट 5 से संबंधित हमने सारे प्रावधानों को व्यापक तौर से कवर कर लिया है। अगले जो लेक्चर होंगे वहां से मैं भाग 6 के बारे में शुरू करूंगा, ठीक, धीरे धीरे। हमने भारतीय सरकार में दो चीजों को पढ़ लिया कि इंडियन जो आपकी गवर्नमेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव क्या है और उसकी लेजिस्लेटिव क्या है, यानी हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया, हमने न्याय जो है विधायिका के बारे में पढ़ लिया, अब हमें न्यायपालिका पढ़ना है, राज्यों के लिए जो कानून बनाए गए हैं वह भी पढ़ना है, ठीक, इनको पढ़ लेंगे तो ये सब अब चीजें आपकी धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगले जब हम सेशन में पॉलिटी के मिलेंगे तो वहां पर भी चीजें आपकी बेहतर होती रहेंगी, तो ठीक है, इसको ढंग से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, जितने लेक्चर्स हैं वो दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, आपको समझ में आते हैं, अपने दोस्तों को बुलाओ भी परीक्षा प्लस परिवार में, ठीक, स्वागत करो, जो लोग लोअर मेंस वगैरह देने जा रहे हैं सबको जोड़िए, ये आप सभी जो है सदस्यों का दायित्व तो है टीम की ओर से, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।